इस्पात और नागरिक उद्यान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने तरीके का प्रदेश के पहले बनने वाले वृद्धा आश्रम के आधारशिला रखेंगे। यह भूमि पूजन कार्यक्रम रोसर स्थित पिपरा में होगा, जिसकी तैयारी युद्ध स्तर में जारी। हमारी टीम ने भूमि पूजन स्थल का दौरा किया, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं जावेद, मैं मौजूद हूँ बहुप्रतीक्षित माधा राव सिंधिया की याद में यहाँ पर बनने वाले वृद्धाश्रम की। अपनी तरीके का मध्य प्रदेश का इकलौता वृद्धाश्रम होगा, इसको बनाने का बीड़ा उठाया है मुकेश श्रीवास्तव जी ने। अपनी जमीन में अपने ही संसाधन से वृद्धों के लिए एक आश्रम बना रहे हैं, जिसका कल भूमि पूजन यहाँ पर माधा राव सिंधिया के सुपुत्र केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी करेंगे, जिसको लेकर यहाँ पर लगातार तैयारियां प्रारंभ है। एयरपोर्ट में आने के बाद किस तरीके से यहाँ तक लाएंगे आप उनको? देखिए, क्या है कि ये जो कार्यक्रम है, चलते रहिए, ये कार्यक्रम बहुत बृहद था। ये कार्यक्रम पहले मैहर से लेके और कटनी से लेके और ये पूरा यहाँ रीवा तक का था, लेकिन अल्प समय में ये कार्यक्रम बना। तो इसमें चुराहटा हवाई पट्टी में भूमि पूजन होगा हवाई पट्टी का, और उसके बाद जो है वो रेलवे ब्रिज एजी कॉलेज मोड़ निपनिया मोड़ रौसा तिराहा पिपरा कार्यक्रम स्थल पिपरा से इटौरा और स्टेडियम कार्यक्रम स्थल तक गुजाएंगे। पिपरा रौसा तिराहा से जो रूट है वो पिपरा रौसा तिराहा से निपनिया मोड़ बड़ी पुल जयस्तंभ पुराना बस स्टैंड मार्जन तिराहा गुप्ता पेट्रोल पंप लाली लक्ष्मी नीम चौराहा स्टेडियम तिराहा इटौरा स्टेडियम कार्यक्रम स्थल तक है। ये जो है बड़ी डिस्कस, जो दिल्ली से हमने रूट भेजा था लगभग वही रूट फाइनल हुआ, लगभग वही रूट फाइनल हो गया, फाइनल हुआ। चलिए, वही रूट फाइनल हो गया, ये तो तय हो चुका है कि यहाँ पर कल भूमि पूजन होगा। कहना चाहता हूँ, पहले मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से आप माधा राव सिंधिया जी से भी जुड़े हुए थे और आपने यहाँ पर एक वृद्धाश्रम बनाने का निश्चय किया, तो दिमाग में बात क्यों आई? क्या था कि हमारे उनके बहुत अच्छे संबंध थे और हमारा उनका परिचय, हम और महाराजा पुष्पराज सिंह जी दोनों जन बहुत ही बचपन से उनसे जुड़े, और सब 1982 में जो यहाँ रणजी ट्रॉफी मैच हुआ यूपी एमपी का, जबकि कि टर्फ विकेट था, टर्फ विकेट नहीं था हमारे पास, मैटिंग विकेट था। आप स्वयं एक रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी रहे, तो उस जमाने में उन्होंने रणजी ट्रॉफी मैच यहाँ दिया बड़े महाराज कैलाशवासी माधा राव सिंधिया, और उस मैच में जो भीड़ आई स्टेडियम में वो इतनी ज्यादा थी कि शायद उस टाइम लग रहा था कोई वनडे हो रहा है, क्रिकेट की बात तो होगी। मैं अपने दर्शकों, अभी आपसे बात करूंगा, मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से दिखा दूं, ये वही जगह है जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। यहाँ पर तमाम कार्यक्रम जो भी यहाँ पर होने हैं, स्टेज टेंट बैठने का इंतजाम लगभग फाइनल किया जा रहा है। मैं जिस जगह पर इस समय मौजूद हूं, ठीक इसी जगह पर कल भूमि पूजन होगा। भूमि पूजन हो, जब यहां पर होगा तो कैसे बनाएंगे, किस तरीके से, आपके दिमाग में खाका है वृद्धाश्रम का? देखिए, वृद्धाश्रम जो है ये बहुत बड़े आर्किटेक्ट से मैंने बनवाया है, और इस वृद्धाश्रम में एक चिकित्सालय भी है, और इसमें जो है बहुत अच्छे अच्छे रूम बड़े बड़े हैं, जिसका कि नक्शा की फोटो भी आप लोग ले गए, और इसकी जानकारी पूरी श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया को है, उसके पास भी है, कल काफी ब्रीफिंग हुई। और इसमें चिकित्सालय के साथ साथ इसमें जो इसका जो वो है खाना खाने का, आपका किसको कहेंगे किचन और डाइनिंग हॉल, वो बहुत ही बढ़िया है वृद्धों के लिए जो है, जो जिस तरीके से हमने नक्शा बनाया है कि अगर बरसात भी हो रही है तो बरसात में भी वो हमने उसका ऊपर फ्लो करके जिसमें वो गैलरी बहुत बड़ी करी, वो गैलरी हो जाएगी बहुत बड़ी एक एकड़ के अंदर। और उसके अलावा जो उनके फिजिकल एक्सरसाइज के लिए है ना, फिजिकल एक्सरसाइज के लिए जो भी संभव है वो यहाँ पर सुविधा दी जाएगी, खाने पीने की पूरी उनको सुविधा दी जाएगी। और उसमें जो कैटेगरी है, क्योंकि क्या हुआ, जब मेरे दिमाग में बात आई सिंधिया जी और तमाम सारी चीज महाराज से बात हुई, फिर हमारी भोपाल में कई मंत्रियों से बात हुई, तो सारी चीजें बात हुई, तो उसमें ये निर्णय हुआ कि भाई नहीं, हमने ये कहा कि इसमें एक जनरल कैटेगरी भी होनी चाहिए, कि कोई गरीब आदमी है कोई कुछ है तो कहाँ जाएगा, तो एक जनरल कैटेगरी भी हमने बनाई है। और वो जनरल कैटेगरी जो है बहुत अच्छी, वो हॉल में रहेगी, जैसे आपने डोमेट्री देखा है बॉम्बे दिल्ली में, तो जनरल कैटेगरी रहेगी।
और यहाँ से जो अस्पताल संचालित होगा जो मेरे माता जी के नाम से है, राजदुलारी श्रीवास्तव के नाम से है, जो चिकित्सालय जिसका वो भूमि पूजन उसका भी करेंगे वो, तो उसमें सारी व्यवस्था रहेगी। और इसके बाद ये सारी चीजें जो है जो प्रॉपर चैनल में आ जाएंगी, तो महाराज से बात करके, महाराज ज्योतिराज सिंधिया से बात करके दिल्ली में, और इसको हम ऐसा करेंगे कि इसका प्राइवेटेशन सरकारी हो जाएगी। तो हमारी शर्त ये है कि अगर हम अपनी जमीन दे रहे हैं और उसमें बना रहे हैं, तो यहाँ के क्षेत्र के लोग हैं वो, उनको उसमें नौकरी मिले, उनको अवसर मिले, और वहीं उसको संचालित करें, वहीं उनको संचालित करें जो यहाँ के लोग हैं। यहाँ पर तमाम, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सबके अंतिम वक्त जिसको कहा जा सकता है, वृद्धों जो आदमी हो जाता है, उनके रहने का यहाँ पर आपने इंतजाम किया। इस जगह की एक सबसे खास बात वो होगी, यहाँ पर एक अस्पताल भी होगा। ये अस्पताल वृद्धों के लिए होगा या इलाके के पूरे लोगों के लिए होगा? देखियो, नहीं अस्पताल है तो पूरे जिले के लिए, पूरे संभाग के लिए। वृद्ध तो बाहर से भी आएंगे, कोई वृद्ध ऐसा तो है नहीं कि रीवे के रहेंगे। जो भी वृद्ध आएंगे, चाहे देश से कहीं आए, विदेश से आए, सबका स्वागत है, सबके लिए कैटेगरी है। जो देना चाहता है उसमें जो पेइंग है वो भी है, तो उसमें कोई कैटेगरी नहीं। जो भी है इस लायक जिसको जरूरत है, आजकल की जो युग अभी चल रहा है, आप सब में एक बात कहें तो जो इस युग में ये हालत है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है, लड़के बच्चे चले गए अमेरिका, बने वहां से लौटते नहीं, पैसा आपके पास धरा रह जाता है ना, तो आपको जो अच्छा वृद्धाश्रम में कब चाय मिल जाएगी, तो उस कैटेगरी भी लोग हैं। तो ये सब चीज इसका समावेश करके इसमें किया जा रहा है, उसमें कोई कहीं से भी आ सकता है। हमारे दर्शकों को ये समझा दीजिए, कल भूमि पूजन हो जाएगा, ये बनकर यहाँ पर रहने लायक इंतजाम कितने समय में हो जाना चाहिए? देखिए क्या है कि जब कोई चीज का निर्माण होता है तो उसमें क्या है, कोई अथेंटिक आपको हम जानकारी नहीं दे सकते। जैसे कोरोना काल आ गया, कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाए तो लेट हो जाए, वैसा भूमि पूजन के साथ ही इसका काम चालू होगा। और ये इसमें जो है लगभग हमारा प्रयास ये है कि जो लोकसभा का चुनाव होगा उसके पहले हम इसका उद्घाटन करें। इसका सीधा सा अर्थ है, 2 साल के अंदर ये यहाँ पर वृद्धाश्रम अपनी शक्ल ले लेगा, जो मुकेश श्रीवास्तव जी ने दिमाग में खाका बनाया है। अब कल यहाँ पर जिस तरीके से भूमि पूजन होगा उसको भी हम आप तक पहुंचाएंगे। आज के लिए इतना ही, अपने मेजबान जावेद अंसारी को दीजिए इजाजत।